मैंने तो सोच लिया है कि मैं एक बिजनेस वुमन बनूंगी। बहुत मजा आएगा, शॉप से घर, घर से शॉप। इतना आसान नहीं है, पर मुझे तो यही करना है। मेरी बच्ची, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, तुम जल्दी से आ क्यों नहीं जाती? आ जाओ ना मेरे पास। मॉम, क्या कर रही हो आप? लैला से बात कर रही थी। तुम यहाँ नहीं हो, तुम्हारे पापा यहाँ नहीं है, तो मैं और क्या करूँ? इसके अलावा मेरे पास कोई चारा है? मॉम, क्या आप मेरी तरह खुद से बातें करती हैं? क्या आप इनर वॉइस, अपनी इनर वॉइस से बात करती हैं? मैं तो यहाँ से आने वाली आवाज के बारे में बात कर रही थी। तुम समझ रही हो ना बेटा? कहीं तुम डिप्रेशन में तो नहीं चल रही हो ना? मुझे बताओ, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है बेटा। ऊपर वाला तुम्हें हर डिप्रेशन से बचाए, बहुत फिक्र हो रही है तुम्हारी। मॉम, ये आप क्या कह रही है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। देखो, मैं बहुत खुश हूँ। सुनो ना, क्यों ना हम दोनों बैठकर बातें करें आज? हाँ, आ जाओ, आज हम माँ बेटी बैठकर बातें करेंगी। आ जाओ, मैं तुम्हें गुस्सा नहीं करूँगी, तुम मुझे सब कुछ बता सकती हो, मैं कुछ नहीं कहूँगी। हाँ, मैं गुस्सा नहीं करूँगी कि तुम रात को देर से आई थी, सी साइड घूमने गई थी। मुझे तुम सब कुछ बता सकती हो, मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। चलो मुझे बताओ सब कुछ, क्या क्या किया। ओके, मैं बताती हूँ। मैं कल मिस्टर जान के घर गई। तुम इतनी रात को उसके घर क्यों गई थी? वो इतना जरूरी नहीं है, वो बस मैं एक फाइल लेने गई थी और बस इतना ही कहना था, और कुछ नहीं है मेरे पास कहने के लिए। नहीं नहीं नहीं, नहीं बोलते रहो। अरे बताओ, मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करूँगी। अच्छा सुनो ना, मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। वो क्या है ना कि मैं माँ हूँ तो मेरे इमोशन निकल आए, मैं कुछ नहीं कहूँगी। चलो आओ, बताओ बताओ आगे क्या हुआ, बताओ ना मुझे, मुझे बताओ, मैं कुछ नहीं कहूँगी। आओ चलो मॉम, चलो बताओ। वहाँ मिस्टर जान की गर्लफ्रेंड थी, मैं उनसे मिली। हाँ हाँ, कैसी है वो? बहुत खूबसूरत और होशियार। सच में? क्या कह रही हो? बेहद ही खूबसूरत, लंबी टांगें। मतलब उसे सूट करती है? उसने कोई नेकलेस और रिंग पहनी थी क्या? वैसे वो लड़का तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा और कुछ बताओ। हाँ, उसने मिस्टर जान के लिए इतना अच्छा खाना बनाया था कि क्या बताऊं। मैंने तुमसे कहा था ना कि दिल तक पहुंचने का रास्ता आदमी के पेट से होकर गुजरता, लेकिन तुम्हें तो एक अंडा उबालना नहीं आता। दूसरी लड़की को देखो जरा, फिर शुरू हो गई आप मॉम। अरे आप... लेकिन मैं घर के लिए कमाती भी हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, अच्छा ये तो बताओ, उसने कौन सी डिश बनाई थी? स्टेक टार्टरे जैसा कुछ। वो लोग रॉ मीट खाते? पता नहीं, कुछ रॉ मीट जैसा ही था। तुम शहरों को रॉ मीट खाते? मुझे लगता है कि यूरोप में उसी तरह का खाना खाते होंगे, और पता नहीं था कि मिस्टर जान को भी ऐसा खाना पसंद होगा। ये अमीर लोग भी बड़े अजीब होते हैं ना। हम लोग तो कितने टेस्टी खाने खाते हैं, कबाब खाते हैं, और ये लोग रॉ मीट खाते हैं। हाँ मॉम, मुझे क्या करना है, मुझे तो हमारे घर में बनता है वो ही खाना पसंद आता है। वो जाने दो, पापा कहाँ है? ऊपर है, सो रहे हैं, पूरा दिन वीगन बॉल्स बनाते रहते हैं, और नहीं तो क्या। अरे मुझे तो जाना होगा, तुम ये सब फ्राई करो, किचन साफ करो। मैं लेकिन मुझे तो ऑफिस जाना है। नहीं मॉम, मुझे अभी साफ करो, मुझे भी जाना है ऑफिस। मॉम, ये पूरा घर जला देगी एक दिन, सबको बिजनेस करना है, मैं भी एक दिन बिजनेस वुमन बनूंगी।